दोस्तों, जया बहादुरी बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस में से एक रही हैं और जिनके सौंदर्य और अभिनय की चर्चा हमेशा से होती आई है। बचपन से ही जया को एक्टिंग का शौक रहा है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली थी। वो केवल एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं थी बल्कि उन्हें एक आदर्श महिला भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्टिंग के अलावा जया जी ने राजनीति में भी अपना कौशल दिखाया है। अभिनय के अलावा उन्होंने राजनीति की एक लंबी पारी खेली है और इसके अलावा इनकी बेबाकी काफी चर्चित भी रहती है। जया बहादुरी बच्चन ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया के लिए एक अध्यक्ष के रूप में किया था। आज हम हमारे इस वीडियो के जरिए अभिनेत्री और पॉलिटिशियन जया बच्चन के पारिवारिक जीवन पर एक प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम यहां आपको जया जी के शुरुआती जीवन और उनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवाएंगे, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जानें जया के पारिवारिक जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में जया बहादुरी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से की है। उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल नागपुर में भी बिताए हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग भी सीखी, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। दोस्तों, 15 वर्ष की उम्र में ही जया जी ने अपने फिल्मी करियर का प्रारंभ एक फेमस बंगाली फिल्म महानगर से किया, जिसके लिए उन्होंने खूब वाहवाही लूटी। फिल्म महानगर के बाद जया बच्चन ने दो और फिल्मों में अपना किरदार निभाया, जिनका नाम सुमन और धनी मेय था। इसके पश्चात वो मुंबई आई और उन्होंने कई हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अनामिका, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके, अभिमान, उपहार और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा जया जी ने एक अंग्रेजी पिक्चर भी की है और फिल्मों में अपनी दमदार प्रस्तुति देने के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साथ ही उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ जया जी को 3 बार आईफा अवार्ड भी मिल चुका है। सन 1971 में इनकी पहली हिंदी फिल्म गुड्डी आई थी, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और गुलजार द्वारा लिखी गई। ये फिल्म जया जी के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आइए अब एक नजर डालते हैं जया जी के पारिवारिक जीवन पर। इनकी मां का नाम इंदिरा बहादुरी एवं उनके पिता का नाम तरुण बहादुरी था, जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट होने के साथ पत्रकार और लेखन कला में भी निपुण रहे। जया बच्चन की दो बहनें भी हैं, जिनका नाम रीता वर्मा और नीता रॉस है। रीता की शादी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राजीव वर्मा से हुई है। रीता इस फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं, लेकिन इसके विपरीत जया के बहनोई राजीव वर्मा अभिनय में काफी दिलचस्पी रखते आए हैं। उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। राजीव वर्मा और रीता वर्मा ने लव मैरिज की थी। इनके दो बेटे हैं, जिनका नाम शिलादित्य वर्मा और तथागत वर्मा है, और जया जी की दूसरी बहन नीता रॉस के पति का नाम हावर्ड रॉस है। बात करें जया जी की शादी की, तो 3 जून 1973 को जया जी की शादी अमिताभ बच्चन से हुई थी, जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक रहे हैं, और भारत की महान हस्तियों में इनका नाम भी बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति जैसे रियलिटी शो के लिए काफी चर्चित भी हैं। इन्हें बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन ने संगीत कला, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाई है। बच्चन जी और जया की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है। जया बच्चन और अमित जी ने पहली बार फिल्म बंसी बिरजू में एक साथ काम किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शादी से पहले अमिताभ जी चाहते थे कि फिल्म जंजीर की सफलता का जश्न वो और जया दोनों लंदन में मनाएं, लेकिन जब ये बात अभिनेता के घर वालों को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिना शादी के आप साथ नहीं जा सकते हैं, और इसलिए दोनों ने 24 घंटों के अंदर शादी कर ली। दोनों की प्रेम कहानी बेहद फिल्मी रही। आज उनकी शादी को 48 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया है कि जया जी का अमिताभ बच्चन की लाइफ में आने के बाद ही अमिताभ जी की किस्मत का तारा चमका था, इसलिए अपनी सफलता का सारा श्रेय वो अपनी पत्नी जया बच्चन को देते हैं। यहाँ तक कि जया बहादुरी बच्चन ने 1988 में प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शहनशाह की कहानी लिखी थी, जिसमें स्वयं उनके पति अमिताभ बच्चन ने मुख्य किरदार का रोल किया था।
जया के ससुर का नाम हरिवंश राय बच्चन है, जो कि हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे एवं हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। हरिवंश राय जी का स्वर्गवास 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गया था। साथ ही जया जी की सास का नाम तेजी बच्चन था, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने दो बेटों को जन्म दिया जिनके नाम अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन है। अजिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन से 5 साल छोटे हैं। अजिताभ की पत्नी यानी कि जया की देवरानी का नाम रमोला है। रमोला एक बिजनेस वुमेन है। इन्हें 2014 में एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अजिताभ और रमोला के 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बेटियों का नाम नीलिमा, नम्रता और नैना है। नैना की शादी बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर से हुई है। जया जी के बेटे अभिषेक बच्चन, जो कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, सुनने में आया था कि अभिषेक बच्चन पढ़ने में कमजोर थे, पर आगे चलकर उन्होंने अपनी इस कमी को दूर किया। उन्होंने मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपनी पढ़ाई की। नई दिल्ली के वसंत विहार के मॉडर्न स्कूल और स्विट्जरलैंड के एंग्लो कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब उनके पिता की कंपनी ABCL मुश्किल में थी, तब बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अभिनय को अपना लिया। उन्होंने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। साथ ही अभिषेक अपने पिता की कंपनी AB लिमिटेड के कार्यात्मक और प्रशासनिक संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जब उनके पिता अपने सबसे बुरे दिन का सामना कर रहे थे, तो अभिषेक इसके लिए भी पूरी तरह क्रियाशील थे। जया बच्चन की पहली संतान उनकी बेटी है, जिनका नाम श्वेता बच्चन है, जो कि एक लेखक और एक मॉडल भी रही है। बच्चन परिवार की पहली बेटी होने के कारण वो सबकी लाडली थी। दोस्तों, एस्कॉर्ट्स ग्रुप के MD की पत्नी होने के बाद भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जया जी के दामाद का नाम निखिल नंदा है, जो कि दिल्ली में मशहूर उद्योगपति हैं। श्वेता और निखिल की 2 बच्चे भी हैं। इनकी बेटी यानी जया जी के नातिन का नाम नव्या नवेली एवं बेटे का नाम अगस्त्य नंदा है। इन दिनों श्वेता एक हाउसवाइफ है और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही है। अभिषेक बच्चन श्वेता बच्चन से छोटे हैं। अभिषेक बच्चन की शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन को ऐश के नाम से बुलाते हैं, जो कि भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। मिस इंडिया प्रतियोगिता की उप विजेता रहने के पश्चात उसी वर्ष वो विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान पर रहीं। आज भी इनको देख कर लोगों की धड़कने थम जाती हैं। ऐश्वर्या राय ने हिंदी के अलावा और अन्य फिल्मों जैसे तेलुगु, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। अभिषेक की एक बेटी भी है, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। हाँ दोस्तों, जया बच्चन की पोती का नाम आराध्या बच्चन है। आराध्या का जन्म 16 नवंबर 2011 को मुंबई हॉस्पिटल में हुआ था, जो अभी सिर्फ 10 साल की है। कहा जाता है कि जया भी अपनी पोती आराध्या पर अपनी जान देती है। सभी दादियों की तरह वो भी अपनी पोती आराध्या को लेकर बहुत केयरिंग है। दोस्तों, जया बच्चन हिंदी भाषा की चहेती रही हैं एवं अपनी मातृभाषा हिंदी को हमेशा ऊपर रखती हैं। सुनने में आया था कि एक बार महाराष्ट्र में संगीत लॉन्च पर जया बच्चन को बोलने को कहा गया, तो इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ये कहा कि हम यूपी वाले मातृभाषा प्रेमी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र वाले कृपया हमें क्षमा करें। जिसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के नेताओं ने जया बच्चन को बहुत बुरा भला कहा और अपने शब्दों को वापस लेने को भी कहा। कुछ समय पहले ही संसद में भाषण देते हुए अपनी नाराजगी बताते हुए भाजपा पार्टी पर जमकर आरोप भी लगाए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया था कि इस दौरान उन्होंने भाजपा के सांसदों को ये तक कह दिया था कि जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले हैं। जया जी को कई मौकों पर अपनी तस्वीरें खींचने और उनसे बेमतलब के सवाल पूछने के लिए उन्हें फटकारते हुए भी देखा गया है। इस तरह जया बच्चन जी अपने बेबाक बातों और बयानों को लेकर काफी प्रसिद्ध रही हैं। दोस्तों, इन दिनों जया बच्चन अपने परिवार के साथ जलसा B/2 कपोल हाउसिंग सोसाइटी VL मेहता रोड जुहू मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। तो दोस्तों, ये थी जया बच्चन की प्यारी सी फैमिली। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।